हाँ इंस्पेक्टर, उसे इस बात का सबक जरूर मिलना चाहिए कि उसने खुद को मेरी बेटी के साथ जोड़कर अपनी जिंदगी दांव पर लगा ली है। उसे कानून के फेरे में डालकर ऐसा घाव दो जो सारी जिंदगी ना भर पाए। पापा, पापा क्या कह रहे हैं आप जीवा के साथ? क्या क्या कह रहे थे आप इंस्पेक्टर से? मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि वो खुद को तुम्हारी जिंदगी से अलग कर ले। पापा, आप उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, और अगर आपने कुछ किया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो। तुम्हारी खुशी और भलाई किसमें है ये मैं तय करूंगा। अब तक वो मेरा दामाद बनने के ख्वाब की छांव में जी रहा था, लेकिन अब उसे सच्चाई की तिलमिलाती धूप देखनी है। प्लीज सर बताइए ना सर, मेरी मां और बहनों ने ऐसा क्या किया जो उन्हें यहां पकड़ लाया सर? सर बताइए ना सर, सर बहुत टेंशन हो रहा है सर। धंधा करवाती है धंधा, तेरी मां अपनी बेटियों से धंधा करवाती है। बस मिश्रा, अरे बस कर, बंद करो। मिश्रा जी, इसे सलामत रखो। बेचारे को अपनी मां और बहनों को लेकर मुंह छुपाने के लिए पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ेगा। छोड़ दो इसे, इसकी सजा तो यहां से बाहर निकलने के बाद शुरू होगी। बस्ती के लोगों ने आंखें बिछा रखी हैं इनके दीदार के लिए। अरे ये शरीफों की बस्ती है, धंधा ही करना है तो कहीं और जाओ। अरे इससे तो अच्छा होता तुम किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे देते। अरे जान तो ये तब देंगे जब इनमें कोई शर्म हया होगी। अरे तुम जैसे पापियों के लिए इस बस्ती में कोई जगह नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। ए, देखता क्या है, मैंने मारा है मैंने, अपनी माँ को लेके बाहर धंधा शुरू कर। ए, चल चल। जीवा की जिंदगी के साथ आपने जो खेल खेला है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी
आप आसानी से जिंदगी गुजार लेंगे, क्योंकि आप एक गिरे हुए इंसान हैं। पाप के इस बोझ को मुझे ढोना पड़ेगा। बदकिस्मती से आप मेरे बाप हैं, और ये बोझ उठाकर मैं जी नहीं सकती। अगर आप मेरी आत्मा की शांति चाहते हैं तो मेरी लाश को हाथ मत लगाइएगा। ये सब उस कमीने जीवा की वजह से हुआ है। अरे मेरी बेटी, उसकी लाश तक पहचान में नहीं आ रही थी मिश्रा। सर आप चिंता क्यों करते हो, जीवा का काउंटर मैं लगाऊंगा। किरण की तो लाश पहचान में नहीं आ रही थी ना, लेकिन जीवा की तो लाश भी नहीं मिलेगी। तेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि तू सदा गिरा हुआ बाप है या सदा गिरा हुआ इंसान। मिसेस बाली स्पीकिंग। मिसेस बाली, आपकी बेटी 3 महीने से कॉलेज नहीं आई है। उसके अटेंडेंस शॉर्ट है, वो एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएगी। उसे मरे 3 महीने हो गए। ओह सॉरी। उन लोगों को अलग फ्लैट कहाँ से दूं? उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं? बात करती है। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, फटाफट पैसे कमाता हूँ। ये सब कुछ मेरे को बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस दुनिया से मैं जुड़ा हूं ना, उसमें जिंदगी बहुत छोटी होती है।